बाप का दादा का सबका बदला ले अगर चल मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। अब तक गलों का एक कुछ हुआ नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो। देखिए इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने लेकर। Wait, my name is Mukesh Chabra and I belong to a very small family from Jalandhar, Punjab. Then I moved to Delhi and I did my theater in Delhi, college in Delhi. Then I moved to National School of Drama, TI company, theater and education company. I worked with a lot of children. Then I always wanted to move to film industry, but I knew that I'm a bad actor. I'm a very, very, very bad actor, but I wanted to be in the film industry. So I thought, what should I do? So mujhe laga ki film industry mein ek aisa job hai jo casting director. How many people are aware of casting director's job? Only 1, 2, 3, more. Okay, so let me explain what casting director does. I am not from any filmy family. I have no filmy connection. I am not a part of nepotism. I'm a normal human being who thought ki yaar Bombay mein aapke saath kuch bhi ho sakta hai agar aapke andar talent hai. So I started working with Imtiaz Ali, the film called Love Aajkal. I started helping in small actor. If you see Saif Ali Khan's friend and you see main hero heroine friend, so I started casting those small people, helping them to yaar ye role kar lijiye. Karte karte now I have done 135 films in Bombay, and the most recent one you must have seen, Dangal. How many seen people have seen Dangal? Okay, so Dangal mein jitne bhi bachche aap dekhte hain, all the four girls, Sanya, Zaira, फातिमा, ये सब, सुनानी भटनागर, ये सब 15,000 ऑडिशन करने के बाद वो लड़के हमको मिले थे। बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने घरों में डांस करते हैं, अपनी मम्मी के सामने गाना गाते हैं, जिनके मन में होता होगा कभी डांस करना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए, बट एक मन में डर होता है कि बॉम्बे कैसे जाएंगे, बॉम्बे में क्या चीज़ें होती है, बॉम्बे में कैसे काम मिलता है, वहाँ तो बहुत सारे लोगों को जानना पड़ता है, पहचान बनानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आई विल टेल यू सिंपल थिंक व्हाट शुड, आपको क्या करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर इन दिस रूम? और कभी सोचा हो एक्टर बनने की या डांसर बनने की या सिंगर बनने की, राइटर, सिर्फ राइटर? आई कैन सी, कैन यू रेज दिस, कैन वी जस्ट से योर नाम, कैन यू से हाउ मेनी, ऑल ऑफ यू? आई कैन हियर एनीथिंग। मतलब कि सबके मन, आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट। सबके मन में एक्टर बनने की इच्छा है, क्योंकि एक्टिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत से लोग देखते हैं, पीपल रिकग्नाइज यू, पीपल से कि यार आपके चेहरे में कुछ बात है, आपको एक्टर बनना चाहिए। तो आई टेल यू व्हाट शुड बी डू। आपको एक्टर तब बनना चाहिए जब आपका मन करे, ना कि आपके पड़ोसी, आपकी बहन और आपकी मम्मी आपको बोले कि बेटा मेरा बच्चा बहुत अच्छा नाचता है, तो उसको आपको हर शादी में नचाने के लिए बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बहन बोलते कि बहुत अच्छा दिखता है, यू शुड बिकम अ फिल्म एक्टर। आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। मैं हमेशा मुझे लगता है कि व्हेन आई थॉट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई रियलाइज कि दैट आई कांट बिकम एन एक्टर। माय फादर ऑलवेज सेड, नो, तू एक्टर बन सकता है, व्हाई डू यू डन सो मच थिएटर, व्हाई डोंट बिकम एन एक्टर? आई सेड नहीं, मुझे वो नहीं करना जो आप चाहते हैं, मुझे वो करना है जो मुझे करना है। तो कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा काम था जो इंडस्ट्री में नोबडी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है, इस जॉब में क्या होता है। तो आई फिगर्ड आउट माई वे, आई थॉट कि आई न्यू लॉट ऑफ ग्रेट एक्टर फ्रॉम नेशनल स्कूल ड्रामा, ऑफ श्रीराम सेंटर, फ्रॉम FTI। आई थॉट इफ आई कैन मेक दम मीट द राइट डायरेक्टर एंड राइट अपॉर्चुनिटी आई कैन गिव दैम, दे कैन बिकम रियली बिग। सेम थिंग हैपन विद मी व्हेन आई डिड काय पोच्चे, देन आई फाउंड सुशांत सिंह राजपूत, देन आई फाउंड राजकुमार राव, देन हुमा, रिचा, देन दंगल गर्ल, देन बजरंगी भाईजान के, देन मुन्नी, इफ यू रिमेंबर, वी ऑडिशन एटलीस्ट 13,000 किड, देन वी फाउंड वन स्मॉल किड। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू आस्क मी सो दैट आई कैन आंसर योर सवाल, दैट वट यू थिंक, हाउ कैन आई हेल्प यू टू बिकम एन एक्टर? बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि बॉम्बे में बहुत सारे लोग डरते हैं कि मुझे एक्टर नहीं बनना, उस इंडस्ट्री में नहीं जाना है, वहाँ पर नहीं आना है। ऑलवेज थिंक कि आपको बॉम्बे आने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक्टर बनना है या इस फील्ड के अंदर आना है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। आप आइए, I can guide you and tell you what to do in next. Anyone want to ask anything, then I can answer you. Ha, it's very simple. Aap
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मोस्ट ऑफ द एक्टर मिस आउट करते हैं, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन पिक्चर्स कि पोर्टफोलियो खिंचवा लें. ये सब जो बातें हमारे इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि आपकी गली में जगह जगह बहुत सारे लोग कास्टिंग करते हैं जो कि बोलते हैं कि आप पिक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कीजिए और जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर बॉम्बे में 4-5 अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर उन लोगों को भेज दीजिए, हम लोगों को भेज दीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसा गरीब आदमी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकता है तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप सब तो बिल्कुल कर सकते हैं. क्योंकि मैं तो ना, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर सिर्फ एक सोच थी कि मैं इस सोच को, इस एक्टर को वहाँ तक ले जा सकता हूँ. तो उस सोच के सहारे आज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन कास्टिंग फील्ड. तो आई थिंक आप सिंपल फंडा है, आप अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेज दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के हिसाब से कास्ट करूँ. आई टेल यू हाउ कास्टिंग वर्क्स. हैव यू सीन गैंग्स ऑफ वसीपुर? ओके, तो गैंग्स ऑफ वसीपुर के लिए आई फाउंड 384 पीपल, टुक मी 1 ईयर. एंड आई टेल यू वाई, बिकॉज आई थॉट कि जब इतना बड़ा स्क्रिप्ट है तो बहुत सारा माहौल क्रिएट करना है, तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है. तो आई वेंट टू बिहार, देन आई वेंट टू बनारस, देन आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉम्बे. तो ऑडिशन एटलीस्ट 16,000 एक्टर्स. तो देन आई स्टार्ट प्लेसिंग देम इन ईच एवरी रोल के ओके ये पगंडुगर बनेगा, ये सुल्तान बनेगा, ये सबे बनेगा. तो आपको अपने माहौल क्रिएट करना होता है. तो ऐसी जैसे मैंने कायपोचे किया था, तो आई वेंट टू गुजरात आफ्टर आई फाउंड राजकुमार राव, अमित साध एंड सुशांत सिंह राजपूत एंड अमृता पुरी. देन आई वेंट टू गुजरात टू गिव देम माई गुजराती फ्लेवर. तो आई वेंट टू गुजरात एंड फाउंड लोकल एक्टर. देन आई डिड लव शो चिकन खुराना, आई वेंट टू पंजाब. वैन आई डिड दंगल, आई वेंट टू हरियाणा आफ्टर आई फाउंड दोज 4 गर्ल्स. तो आई मोस्टली गो टू रिस्पेक्टेड टाउन. यू डोंट हैव टू कम टू बॉम्बे, आई माइट कम टू कोची एंड काश्यू इफ यू हैव टैलेंट. People are still understanding the job. I get my professional film producer like a DOP, like a production designer, like a casting director. I just find talent and put them in the right places and audition them and give them a role. I have nothing to do with the money. So people are still thinking about ki commission kya hota hai. We only get professional fees. We do not charge from actors. Yes, yes, please push the ray. मुकेश MUKESHCHHABRAMCCC.IN मुकेश छाबड़ा @MCCC.IN दैट्स माई कंपनी, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी. आपको अभी मैंने सिंपली प्रोसेस को बोला है कि आप मेरे ऑफिस में आइए और अगर आप नहीं आ सकते तो आप ईमेल कर दीजिए इंट्रोडक्शन. डू नो सेंड मी पिक्चर्स, आई हेट पिक्चर्स बिकॉज पिक्चर में आप वैसे नहीं दिखते जैसे आप होते हो. सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन पिक्चर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट द रियल पीपल. If you have talent, please send me your passport size picture. Do not send me your portfolio, जिसमें आप जो होते हो वो नहीं दिखते हो, क्योंकि जो फोटो में होता है वो खुद को नहीं पता कि वो मैं हूँ कि नहीं हूँ. एंड गाइज थैंक यू सो मच. प्लीज़ कम टू बॉम्बे, डोंट कीप एनीथिंग इन साइड. इफ यू जनरली वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, दिस इंडस्ट्री इज वेरी 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 नाइस. ऑलवेज वेलकम न्यू टैलेंट. वी हैव क्रिएटेड सो मेनी न्यू टैलेंट. इफ यू जनरली वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, कम फॉरवर्ड एंड फॉलो योर ड्रीम्स. थैंक यू सो मच.